दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लैम्बर्गिनी, हाँ हाँ वही सुपर कूल गाड़ी जो पंजाबी गानों की शान है, हमेशा से सुपरकार्स नहीं बनाती थी और एक जिद के चलते ही उनके इस कार बिजनेस की शुरुआत हुई। दरअसल फेरुशियो लैम्बर्गिनी एक अंगूर उगाने वाले किसान परिवार से थे, लेकिन खेतीबाड़ी उनका पैशन नहीं था, उन्हें तो मैकेनिक्स का शौक था। सेकंड वर्ल्ड वॉर से लौटने के बाद लैम्बर्गिनी ने पुरानी मिलिट्री मशीन्स को खरीदकर उन्हें ट्रैक्टर बनाकर बेचना शुरू किया, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस साबित हुआ। इस बिजनेस ने फेरुशियो को बहुत अमीर बना दिया और किसी भी और रईस की ही तरह उन्होंने भी लग्जरी और सुपरकार्स खरीदी, जिनमें से एक फरारी भी थी। अब लैम्बर्गिनी अपनी फास्ट कार से रेसिंग भी करने लगे थे, उन्हें मैकेनिक्स की समझ थी तो उन्हें लगा कि इन गाड़ियों में रेस के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। रेस के दौरान अपनी फरारी से आने वाले शोर और रोड पर रफ होने को लेकर उन्होंने कुछ सुझाव फरारी को बताए। फरारी तब लग्जरी सुपरकार्स की मार्केट का बादशाह था, उसने एक मामूली ट्रैक्टर मैकेनिक की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इससे लैम्बर्गिनी बहुत आहत हुए और उन्होंने अपनी हॉबी को पैशन बनाने की ठान ली। उन्होंने अपने टाइप की लग्जरी कार पर काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 महीनों में फेरुशियो लैम्बर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बर्गिनी 350 GTV ट्यूरिन मोटर शो में लॉन्च की। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया।